रूल्स लिख रहे थे हम लोग। चाइल्ड बर्थ कर रहे थे ना अपन, हाँ के कंडीशंस जी लिख लिया था ना अपन ने, हमने जुड़वा बच्चों का लिख लिए थे, बच्चों कंडीशन में पे सारी क्या है दोनों जी। हाँ जी मेन तीन राशियों का लिख लिया, दोनों राशि मेन हाँ राशि में जुड़वा हाँ बच्चों के बारे अपने में लिखा लास्ट था। क्या लिखा था, जुड़वा के लिए कौन यदि कौन सी प्लैनेट राशियां बीस होती डिग्री हैं, को थ्री नाइन ट्वेल्व। हाँ लास्ट लास्ट हमने लिखा था, लास्ट यदि हमने लिखा था प्लैनेट जी, बीस उसका कस क्या जी जुपिटर हो एंड वो राशि में हो, देन देयर विल बी ए बॉय, बट इफ इट इज एट 21 डिग्री देन इट विल गिव बर्थ टू गर्ल। हाँ। और दो चीजें फिक्स थी, राहु और बुध, राहु और बुध में क्या फिक्स था, वन बॉय वन गर्ल। हेलो मोदी जी, कनेक्शन है तो कुछ प्रॉब्लम है। हाँ हेलो, जी, थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है। हाँ हाँ जी, कुछ मोदी जा रहे हाँ हैं आवाज। बाबा, हाँ जी, अभी मेरे को आवाज आ रही है अमित जी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अपन ने देखा था ना दो जगह वन बॉय वन गर्ल फिक्स था, कौन कौन से प्लैनेट में फिक्स था। एक हाँ जेमिनी में राहु हमेशा क्या देता है, वन बॉय वन गर्ल, और बुध क्या देता है, वन गर्ल, वन बॉय वन गर्ल। बुध देता है वन वन बॉय वन गर्ल। हाँ हाँ ठीक है। फिर अपन ने एक कॉन्सेप्ट लिखा था जी क्या, 20 डिग्री वाला, क्या लिखा था। हाँ जी, यदि प्लैनेट 20 डिग्री क्रॉस कर जाते हैं तो उनके द्वारा दिए जाने वाला जेंडर चेंज हो जाता है। दिया जाने वाला जेंडर चेंज होता है, एग्जाम्पल भी लिखा था अपन ने, है ना। ठीक है, हाँ जी, यदि फिफ्थ हाउस का कसफल सोलर जुपिटर यदि एंड फिफ्थ इज इन सी एस मेष एल, राशि, देन देयर विल बी अ बॉय, बट इफ इट इज एट 21 डिग्री देन इट विल गिव बर्थ टू गर्ल। गर्ल, वेरी गुड। चलिए अब एक चीज अपन ने लिखा था, मिथुन राशि कौन सी होती है, मेल होती है फीमेल होती है, हाँ, ऑड कौन नंबर राशि एकदम है? तरुण, मेल 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 जी मेल होती ना, तो वहां पे गुरु क्या दे रहा था, दो बॉय दे रहा था कि दो गर्ल। इसमें पाटिल जी ने गुरु क्वेश्चन किया था दो ना, गर्ल दे रहा था, दो गर्ल दे रहा पाटिल था। जी का हाँ जी, दो लास्ट गर्ल था, दे रहा था। लास्ट मिथुन राशि में मिथुन में, जैमिनी, मिथुन जैमिनी में में देखिए। गुरु दो गर्ल दे रहा है, हाँ लास्ट टाइम क्वेश्चन जुपिटर था दो ना गर्ल कि देगा। हाँ जुपिटर दो गर्ल दे रहा है, लेकिन जब हम मीन राशि में जाते हैं तो वही जुपिटर दो बॉय देता हाँ जी, है ना। तो आई थिंक क्लियर मीन ठीक। राशि में उसकी डिग्री चेंज हो जाती है। हाँ वो जो नक्षत्र वाला टेबल लिखे थे वो याद है आपको, नक्षत्र वाला एक टेबल लिखे थे जिसमें डिग्रीज नक्षत्र वाला टेबल जिसमें, थी। हाँ अरे जिसमें हाँ अग्नि जी, हाँ जी, पृथ्वी वायु जल तत्व, तो मिथुन राशि, मिथुन राशि में गुरु कितने डिग्री पे आता है, 20 डिग्री से 30 डिग्री में आता है। थोड़ा सा पलटा के देखिए, हाँ कहाँ जी, लिखे हाँ थे जी, हाँ सर जी, हमने, नहीं वो एक अपन नक्षत्र टेबल बनाई थी ना जहां अग्नि पृथ्वी वायु जल लिखा था, फिर राशियां लिखी थी। सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट करने के पहले मैंने नोट नहीं किया था ना सर, मैं बताता वो मैंने पीडीएफ हूँ डाला मेरे था, को, पीडीएफ म्यूजिक डाला था मैंने, बनाया था पीडीएफ हमने पीडीएफ। भी डाला था मैंने उसमें, जी, वो रजिस्टर वाला एक पीडीएफ डाला था ना, तो उसमें मिथुन राशि में तीन नक्षत्र पड़ते हैं, एक मंगल का नक्षत्र, एक राहु का और एक गुरु का नक्षत्र। ठीक है, तो जो गुरु का नक्षत्र है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री का होता है, तो मैंने बताया था ना जब 20 डिग्री को हाँ जी, क्रॉस कर चेंज जाता है तो प्लैनेट अपना जेंडर क्या कर देता है, चेंज कर देता। कर देता है। हाँ, इसलिए पर चेंज मिथुन होता है। राशि हाँ जी, में, हाँ जी, हाँ इसलिए बिल्कुल मिथुन सर। राशि में क्या दे रहा है वो, 1-5 हाँ जी, मिथुन में गर्ल दे रहा है, दो गर्ल दे हाँ रहा है। हाँ इसीलिए दे रहा है मिथल क्योंकि में उसकी मिथ डिग्री 6 डिग्री, मिथल में उसकी डिग्री जो है गुरु जैमिनी में की उसकी वो डिग्री बीस जो होती डिग्री है से 20 से तीस 30 डिग्री के होती है बीच ना, में है। मतलब अबव 20 जाने जी लगेगा जी वो, इसीलिए मिथुन राशि जो हाँ है वो मेल राशि है। क्लियर है, मिथुन राशि जी बाय नेचर कैसी होनी जी चाहिए, मेल, ऑड नंबर है ना, मेल, हाँ लेकिन उसमें जी, गुरु क्या दे रहा है, फीमेल दे रहा है। क्लियर हाँ है, जी क्यों दे रहा है समझ में आ गया पाटिल जी जी, समझ में आया, क्वेश्चन किया था ना आपने। हाँ अच्छा, 20 के ऊपर ज्यादा डिग्री इसलिए ना। क्योंकि उसको जो नक्षत्र मिलता है वैसे 20 से 30 डिग्री का मिलता है, मतलब मोर देन 20 में आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली, जी इसीलिए वो जी अपना जेंडर चेंज कर देता है।
हम नेक्स्ट में आइए, मीन राशि में आइए। मीन में मीन जीरो से राशि, हाँ, तीन डिग्री फीमेल फीमेल राशि है, क्या है, इवन है और नंबर है। जीरो हाँ, से 3 डिग्री में आ रहा है ना। ये हाँ जी फीमेल राशि है, तो यहाँ गुरु को क्या देना चाहिए, फीमेल देना चाहिए, फीमेल फीमेल राशि है ना, दे रहा है ना सर। कहाँ दे रहा, मीन राशि में गुरु देखिए क्या दे रहा है। हाँ बॉयज दे रहा है। हाँ, जबकि है किसमें, फीमेल राशि में, और यहाँ तो हाँ 20 डिग्री भी क्रॉस नहीं किया, क्योंकि हाँ मीन राशि में जो गुरु होता है वो कितने डिग्री पे होता है, 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट में होता है, तो यहाँ तो उसने 20 डिग्री भी क्रॉस नहीं किया है ना, तो यहाँ नोट लिख लीजिए जी ऐसा क्यों हुआ। एक देखिए जी, जी बोलिए। मीन राशि में जुपिटर जल तत्व राशि में होने के कारण, ये जल तत्व का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ध्यान रखिएगा, है ना, अभी मीन आगे राशि पढ़े थे। में हाँ, जी मीन राशि में जुपिटर जो है वो 20 डिग्री से कम है, बीस नहीं, डिग्री मीन राशि से में जुपिटर जल तत्व में हाँ होने जल तत्व में के स्थित है कारण और 20 डिग्री से कम है, इसीलिए वो अपना जेंडर चेंज कर देता है, जल तत्व होने के कारण वो जेंडर बदलता है, ठीक है। नॉर्मल नियम क्या है, 20 डिग्री क्रॉस होने के बाद, तो हमने मिथुन राशि में देखा कि गुरु जो है वो गुरु को जो नक्षत्र मिलता है वो 20 से 30 डिग्री का मिलता है, तो वो ऑटोमेटिकली 20 डिग्री को क्रॉस कर रहा, तो उसने मिथुन मेल राशि होने के कारण भी अपना जेंडर चेंज करके गर्ल दे दिया, ठीक है। लेकिन यही नियम हमने मीन राशि में देखा कि नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा ना, मीन राशि फीमेल है, फीमेल है, और यहाँ पे जो गुरु है 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक ही होता है, तो ये तो 20 डिग्री को भी क्रॉस नहीं कर रहा, तो फीमेल होने के कारण फीमेल देना चाहिए, लेकिन ये क्या दे रहा है, बॉय दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि वो जल तत्व में आया है, ये जल तत्व का बहुत इम्पेक्ट आता है, ठीक है, वॉटरी साइन में आने के कारण ही वो अपने जेंडर को चेंज कर रहा है, सिंस वो बीस डिग्री से कम है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया बिल्कुल पाटिल जी, क्वेश्चन जो आपने किया था उस समय, क्लियर जी है ना जी ये, ठीक है, ये लॉजिक आपको क्लियर पता होना चाहिए, नहीं तो कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करेगा ना, बोलेगा अभी तो आपने बोला कि 20 डिग्री क्रॉस होने पर जेंडर चेंज हो रहा है, तो 20 डिग्री का नक्षत्र ही नहीं है इसके पास, तो 3 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र है गुरु के पास, जी ठीक है। वॉटरी साइन, वॉटरी साइन बहुत इंपैक्ट करती है, क्लियर, जी आगे बढ़े, यस ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टिल बॉर्न बेबी, स्टिल बॉर्न बेबी क्या होता है, इसी में मतलब न्यू कंडीशन, बॉर्न न्यू नहीं, स्टिल बॉर्न बेबी, बच्चा जस्ट मर तभी जाता पैदा है हुआ ना, रहा हाँ, पैदा होने के समय जो था। मर हाँ जाता है उसको बोलते हैं स्टिल बॉर्न बेबी, ओके स्टिल बॉर्न बेबी किसको कहते हैं, बच्चा पैदा होने के समय जो मर जाता है ना उसको कहते हैं, ठीक है, हाँ वो लिख लीजिए, वो कंडीशन कब क्रिएट एक होती है, मिनट अब सर हमने देख लिया मेल फीमेल जुड़वा लड़का लड़की लड़का 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 लड़की, एक कंडीशन ये भी है ना, ऑपरेशन भी देख लिया मर हमने, हाँ, जाता एक हमने ये भी देख लिया ऑपरेशन होगा नहीं होगा क्या होगा मंगल केतु सब देख लिया, अब एक कंडीशन ये बची है, ठीक है, तो स्टिल बॉर्न बेबी की कंडीशन कब आएगी, जब जी 9 महीना पूरा हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, यदि रूलिंग प्लैनेट का, रूलिंग प्लैनेट, यदि रूलिंग प्लैनेट का ब्रैकेट बनाइए लग्ना, रूलिंग प्लैनेट दो लेते हैं, एक लग्ना लेते हैं एक मून लेते हैं, याद है ना, तो हाँ ये हाँ रूलिंग प्लैनेट जी कौन सा लेना है, लग्ना का, क्या लगन लिखा, रूलिंग प्लैनेट का ब्रैकेट में लगना लिखे। यदि हाँ, रूलिंग रूलिंग प्लैनेट प्लैनेट, का लगना हाँ, लग्ना का स्टार लॉर्ड, सॉरी सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड जल तत्व राशि में आए, ब्रैकेट में लिख लेना 4 8 12, जल तत्व याद है ना 4 8 12, तो बच्चा पेट में मर जाता है, ठीक है,
ये कंडीशन क्लियर है? क्योंकि जी मान लीजिए कोई आया, उसने बोला कि मेरे बच्चे का डिलीवरी कब होगा बताइए, तो आपने रूलिंग प्लैनेट बनाया। डेट निकालने के लिए तो आपको रूलिंग प्लैनेट चाहिए चाहिए, तो रूलिंग प्लैनेट में आपने सबसे पहले क्या लिया, लग्ना लिया, फिर मून लिया, है ना? तो लग्ना का जो वो है क्या है, सब लॉर्ड है। सब वो सब लॉर्ड जो है वो कहाँ नहीं होना चाहिए, वॉटरी साइन में नहीं होना चाहिए। चार आठ बारह में नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि वो वॉटरी साइन में चला गया तो क्या हो सकता है, बच्चा पेट में मर मर सकता है। जाता कभी कभी आपने सुना होगा ना, पानी पानी की कमी हो गई या पानी बढ़ गया तो बच्चे मर जाते हैं, ये वही कारण है उसका, वॉटरी साइन का। तो ये वॉटरी साइन की इंपॉर्टेंस इसीलिए इतनी ज्यादा होती है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, यहां पे हमने लग्ना, रूलिंग प्लैनेट के लग्ना का सबलॉट देखा है ना, कसपल सबलॉट वो नहीं देखा, फिफ्थ हाउस और ये वो। क्लियर है? तो समझ में आ गया, स्टिल बॉर्न बेबी क्या होता है, जी सारी कंडीशन हो गई, जुड़वा हो गए, ठीक है। और अभी अपन ये भी सीखेंगे बच्चों की गिनती करना, की कितने बच्चे हो सकते हैं, ये भी एक प्रश्न होता है ना, जी ठीक हाँ है, वो जी भी अपन करेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ये सारी जी कंडीशंस हो गई, जो है ना? आज हमने एग्जांपल हमने वो लेनी है जो आज हमने डिस्कस करनी थी। हाँ, वो इसलिए मैंने चार्ट डाल दिया था एडवांस में। तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, रूलिंग प्लैनेट की, लिख लीजिए रूलिंग प्लैनेट, एग्जाम्पल लिख लीजिए, रूलिंग प्लैनेट लिखिए लग्ना देन मून। सैटर्न मार्स केतु, लग्ना में लिखिए। हाँ एक मिनट जी, रूलिंग प्लैनेट जिसमें हाँ हमने पहले लिखना लग्ना, पहले है लग्ना, लग्ना, इसमें हमने लिखना है साइन लॉर्ड, साइन स्टार लॉर्ड, लॉर्ड। सब लॉर्ड। हाँ, लग्ना मून दो चीज लिखते हैं ना, मतलब साइन लॉर्ड, जी फिर क्या लिखते हैं, स्टार लॉर्ड, फिर लिखते हैं सब लॉर्ड, ठीक है। तो सब लॉर्ड जी पहला लिखिए सैटर्न, लग्ना में लिखिए सैटर्न मार्स केतु, सैटर्न मार्स केतु। क्लियर? जी मून में लिखिए जुपिटर केतु सैटर्न, मून में लिखिए जुपिटर केतु सैटर्न। या आरपी आरपी का का लगता है ये टाइमिंग और प्लेस। किसका, आरपी का, ये तो आरपी है ना, बर्थ चार्ट नहीं है, आरपी का लिखना है तो लिख इसका लीजिए। अभी का हाँ, अभी का हाँ डे लॉर्ड भी बताइए, आज के लेंगे डे लॉर्ड। डेलॉर्ड, डेलॉर्ड लिख लीजिए, वीनस, नो प्लैनेट रेट्रो। आरपी का टाइमिंग है हाँ मैं लिखा दे रहा हूं, नो प्लैनेट रेट्रो। नो प्लैनेट रेट्रो, टाइमिंग लिख लीजिए आरपी की 20/1/2023, 8:54 AM, एट और ए एम प्ले 54 AM मुंबई। ये जो प्लैनेट हैं कहाँ के हैं? अब आरपी मुंबई कॉम्बो के बताइए क्या बनेगा, जी आरपी मार्स कॉम्बो, केतु आरपी मार्स कोमो और मार्स केतु। केतु केतु मार्स और केतु मार्स केतु केतु, केतु। हाँ जी ठीक है। तो एक ही बार लिखेंगे ना केतु, ये के 3 बार 2 बार लिखना नहीं नहीं पड़ेगा। दो बार, दो बार मार्स केतु केतु, जो नियम है उसको पूरा फॉलो करना है, समझ गया? क्योंकि नहीं अपन ने रिपीट हो रहा ये, बोल के मैं हाँ नहीं, मैं समझ गया आपकी बात लेकिन उस कोरम पूरा पूरा करना है, समझ गए? ओके चलिए अब इसमें बताइए फिफ्थ कि हाउस कैसा, का लॉर्ड चेक करना स्टेप नंबर 2 में, फिफ्थ हाउस का कसपल सब लॉर्ड। हाँ, क्यों? क्योंकि हम चाइल्ड बर्थ को देख रहे हैं तो फिफ्थ हाउस जो है चाइल्ड बर्थ का होता है।
फर्स्ट चाइल्ड का। एक सेकेंड, लेकिन रूल्स पहले के फॉलो करेंगे ना, अभी पहले हम लोग प्रॉपर्टी कैसी? में या जो फॉलो किए थे सेल में, इसमें कोई रेट्रो नहीं है, ये रूल वही सेम फॉलो अप्लाई होंगे ना जो हाँ वो तो पूरा परचेज और। सब सारे रूल वही, कोई भी रूल में कमी नहीं है। चार्ट दिख रहा है आपको? अब बताइए कि स्टिल बॉर्न बेबी की एक कंडीशन देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि ये तो आरपी से ही देखते हैं ना। जी जी अब भी अपन ने लिखा ना स्टिल बॉर्न बेबी कंडीशन, और इसको देखते कहाँ हाँ है? जी ठीक आरपी में। तो सबसे क्या पहले जी, डेट निकालने के पहले हम क्या देख लेंगे? हाँ ये तो तीन में है, जल तत्व में यहाँ नहीं है। पे लिख लीजिए। हाँ पहले लिख लीजिए कि यहाँ सबलॉट कौन है? आरपी में लग्ना का सबलॉट केतु है। आरपी में लगना का यहाँ पे नौ भी है, हाँ जी, यहाँ पर यहां पर आरपीसी। आरपी में लगना का सबलॉट केतु है, ठीक है? इसको कुंडली में चेक करिए कहां पे आ रहा है। तीन नंबर राशि में, तीन नंबर राशि में केतु कहां आ रहा है? तीन नंबर में, एक तीन नंबर में डिग्री है। तीन मिनट केतु जो है तीन नंबर राशि में है ना, दो नंबर में है, वायु वायु नहीं इसको वायु अपन दो कहाँ नंबर देखेंगे? तो कुंडली कुंडली में देखेंगे ना। में नहीं, आरपी की जो टेबल बनाए उसमें देखेंगे। भाई ये प्लेनेट हमें कहाँ मिला है? आरपी की कुंडली में मिला है ना, समझ गए? इसलिए मैं नोट लिखा दे रहा हूं। जी यहां हम लग्ना के सबलॉट केतु को आरपी चार्ट में चेक कर लेंगे कि वो किस में नहीं है, वॉटरी साइन में नहीं, Yes. ठीक है? ये नोट लिख लीजिएगा। जिसको हम आरपी के चार्ट में, जो आरपी के लिए चार्ट बनाया ना अपन ने, आरपी निकालने के लिए, उसमें चेक कर लेंगे कि वो वॉटरी साइन में तो नहीं आ गए। अच्छा, ये कुंडली जो है 1992 का है क्या, तो मैं उसलिए उसमें से देख के बोल रहा था, अब आरपी का ही कुंडली समझ के। जी नहीं वो मैंने पहले खोल दिया ना, इसीलिए। जी आरपी से आप सब चीज बता सकते हैं, समझ गया? आरपी कुंडली जी आपने बना ली, मतलब सामने वाला बस जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन मतलब परेशान होना चाहिए, समझ गया? जैसे सामने वाला दिल कपल से बैठा पूछना है है, क्वेश्चन। हाँ वो जेन्युइनली परेशान है कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा, कब होगा? तो उसकी जो आरपी कुंडली बनेगी वो उसके मन का डायग्राम होगा। अब आप उसकी कुंडली नहीं भी देखो, सब यहीं से देख के बता दोगे आप, समझ रहे हैं? है? मान लीजिए यहाँ पे सबलॉट केतु है और उसको अपन ने देख लिया यार वॉटरी साइन में है, क्या है, सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं वहां से। एक एग्जाम्पल अपन ऐसा करेंगे जिसमें हमारे पास कुंडली ही नहीं है, आरपी कुंडली होगी कहाँ पे, राशि चार्ट तो वो खोलने आपको के लिए लिख। मैं बताया नहीं, आरपी निकालते कहां से? अपन कुंडली से ही नहीं, निकालते हैं ना। निजी हाँ निजी। हाँ जी हाँ जी, तो आरपी तो कुंडली बना के ही अभी जो निकालते हैं। आरपी, अभी जो आरपी बनाया हम लोग, इसमें तो नहीं है ना, ये नहीं ये तो आरपी नहीं, ये तो 92 हॉरोस्कोप का है, है। हाँ ये तो हॉरोस्कोप है। 92, और वो मैंने आपको उसके जो टाइमिंग नीचे लिखा में दी रूल। ना। हाँ टाइमिंग इसीलिए हाँ जी लिखा सर, दी सर है, जब आप तो मैं प्रैक्टिस करना तो इसलिए देख मैं लेना। चलना। हाँ इसलिए नोट भी लिखा दिया मैंने, है हाँ ना? हाँ क्लियर हो सर। गया ये? कोई डाउट, कोई शंका, कोई सवाल? नो नो जी नो मुझे डाउट, ये नो डाउट यार सर, आगे बढ़ते। कि आरपी लग्ना का सब लॉर्ड केतु है, जिसको हम आरपी के चार्ट में देखेंगे, आरपी का चार्ट किस हाँ में हम देखेंगे, कहाँ पे हमें लगा। आरपी का चार्ट बनाते हैं ना, वो जो अपन ने लिखा है 20/1/2023 8:54 मुंबई। भाई किसी भी कुंडली को हाँ पढ़ने जी से पहले या सॉल्व करने से पहले हम क्या बनाते हैं? आरपी बनाते हैं ना। जैसे क्लाइंट ने हाँ हमसे क्वेश्चन किया, उसकी जी, कुंडली खोलने से पहले हम क्या बनाएंगे? आरपी बनाएंगे, उसी टाइम फिर का, उसकी, उसी टाइम का चार्ट बनाते हैं। हाँ एट ए टाइम चार्ट बनाएंगे, और अब आरपी हम अपनी डायरी में लिख लेंगे, देन उसके बाद हम सारी प्रेडिक्शन या कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। मतलब क्यों? हमने सेम हाँ चार्ट जो आपने अभी बना के हमें दिया हुआ है, ये आरपी चार्ट है। नहीं ये नहीं आरपी नहीं चार्ट नहीं, ये बर क्लाइंट का चार्ट है, चार्ट मुझे है। ये कंफ्यूजन हो रहा है।
हाँ नहीं हाँ नहीं ये मेरा कस्टमर पहले का चार्ट, कंफ्यूजन नहीं नहीं था, नहीं ये क्लाइंट कस्टमर का जो चार्ट। भाई ये बर्थ चार्ट लिखा है ना, बीच में डेट हाँ लिखा है, देखिए मोदी जी हाँ ये 1992 का कस्टमर लिखा का है ना, चाइल्ड है, 11th चाइल्ड अक्टूबर बर्थ। हाँ आरपी चार्ट तो राशि तत्काल चार्ट का में है। बीच में लिखा है। आरपी चलिए चार्ट कहाँ मैं, देखेंगे हम, आरपी चार्ट तो आपको बनाना पड़ेगा ना, ये तो बना के डेट और टाइम बताओ। डाल बहुत बताया है ना। हाँ जी बना के बता दो, मुझे समझ नहीं आ रहा नहीं ये। मोदी जी डेट और टाइम लिखवाए है ना, वो डाले तो आ जाएगा, एक सेकंड शंका नहीं रहना चाहिए। बनाइए। हाँ हाँ जी कितनी तारीख का है, 20/1/2023, 20/1/2023, 20 ओके, जनवरी 2023 दो हजार का तेईस 8:54 सुबह के मुंबई 8:54, 8:54 AM और ये तो प्रेफरेंस जीरो पहले एट चेंज फाइव करना पड़ेगा ना, पहले प्रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा। आरपी कैसे बनता बताया था ना, प्रेफरेंस पहले नहीं चेंज करना पड़ता। सिटी ले सकते हैं ना उसमें, सिटी ले सकते हैं ना नहीं उसी में, नहीं नाम नहीं डाला तो नहीं आएगा। प्रेफरेंस प्रेफरेंस प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस याद आया, आरपी प्रेफरेंस बनाने के नहीं पहले याद है ऐसा, प्रेफर। लेकिन प्रेफर हाँ नहीं, हम बताइए, जो सिटी का है वहां जहां पे वो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं मुंबई या जहां सिटी पे लिखा हम है, बैठ, नहीं, वो जो मुंबई, हाँ हाँ जहाँ हम बैठे हैं हाँ तो मुंबई सिटी का डालना है। हाँ, वो जो मैंने प्लेस क्यों लिखा है, क्योंकि आरपी मुंबई में बनाया गया, ठीक है हाँ नहीं मेरा योर। वो डाउट क्लियर हो गया, योर सिटी यहाँ पे ही डालेंगे, उसमें भी सिटी आ रहा था तो वहां डाल सकते क्या, पूछ रहा हूँ हाँ वो तो बर्थ चार्ट तो उसमें क्रिएट क्यों करने नहीं के डाल लिए सकते। ना, वो बर्थ हाँ चार्ट तो उसमें क्रिएट भी करने सिटी के आया तो लिए। आप नहीं, वो आना बर्थ चाहिए ना, चार्ट उसमें भी क्रिएट डालते करने हैं के तो, लिए है? उसमें भी वहां पे डाले तो भी आना चाहिए ना, क्यों नहीं आएगा, सेम ही आना चाहिए। नहीं, ये प्रेफरेंस यहाँ पे सेट करना पड़ता है, ये सॉफ्टवेयर की सेटिंग है ना ऐसी, ये यहाँ पे सेट होगा है। उससे आयनांसा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सेट होते हैं। वो चेंज अब हो गया, यहाँ हाँ ठीक है, दोबारा से क्लिक कीजिए ओके पे, प्रेफरेंसी सेव्ड सक्सेसफुल को ओके क्लिक हाँ कीजिए। ये हो गया। अब क्रिएट करेंगे इसको, क्रिएट न्यू, ये आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक, दिख रहा है जी बटन भी नहीं दिख नहीं गया है तो ना। हम यहाँ एंटर नहीं कर सकते नहीं 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 हाँ, नहीं प्रेफरेंस वो नहीं, वो चार्ट एक्चुअली बनाने के लिए, ठीक ओके है। अब आप कह रहे थे ना जैसे जबलपुर लिखा तो उसको एडिट कर दें और वहां मुंबई लिख दें, यही कह रहे थे ना। जी नहीं वो चार्ट बनाने के हाँ लिए वही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं करिएगा, कभी भी आरपी बनाना तो सबसे पहले प्रेफरेंस चेक कर लीजिए, आप जहां बैठे हैं वहां का आरपी आएगा, ठीक है। ठीक है 20 जनवरी है ना, जी, 20 जनवरी 2023, जी 20/1/2023, 20/1/2023, टाइम क्या है, 8:54 AM मुंबई, आठ 0 बजकर 54 मिनट 8:54 54 इसमें मेल फीमेल का फर्क नहीं पड़ता, सेक्स का ना, इसमें सेक्स जो है मेल फीमेल को जो भी रखो चलेगा। चलिए केतु कहाँ है बताओ। केतु है अपना 7 नंबर राशि में, साइन बने मेल में साइन बने साइन बने, साइन देखिए, राशि देखना है। 7 नंबर मेल, मेल 7 नंबर तुला, हाँ कौन सी राशि में। तुला में तो तुला क्या वाटर ही साइन है। वायु नहीं, 4/8/12 होगा हाँ वाइटर साइन, वाटरी साइन 4/8/12 होते हैं। तो मैंने कहा था ना, वही हमारा जो आरपी है उसके लग्न में जो सब लॉर्ड है उसको हमें देख लेना है कि क्या वो वाटरी साइन में तो नहीं आ रहा है। यदि वाटरी साइन में आएगा तो वो बच्चा क्या हो सकता है, पेट में भी मर सकता है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे जो आरपी का केतु है, ये दिख रहा है कर्सर, दिख रहा है मेरा, हाँ जी हाँ जी है ना, ये तुला राशि दिख रही, तुला मतलब सात, जी 7 नंबर की है ना। और वाटरी साइन कौन से होते हैं, जी 4/8/12, तो ये 8/12 बच बारह गया। हाँ ये केस बच गया, क्लियर है। अब डाउट कोई मोदी जी 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 अब कोई नहीं अब डाउट क्लियर है है, मेरे को क्लियर हो गया ना, ठीक है।
नहीं कोई कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, क्योंकि मेरे हाँ को आरपी लास्ट बार भी मैंने जब निकाला था तो हाँ मैंने प्रेफरेंस हाँ ही सेट नहीं की, इसलिए वो गलत आया था। प्रेफरेंस ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस सेट करना, ये नहीं कि वहां हमने प्लेस को एडिट कर दिया और लिख के अब हमने चार्ट मुझे बना दी, नहीं। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। चलो उसी बहाने अपन को वो रिकॉल हो गया है ना, हाँ जी एक फायदा ये हुआ। चलिए हाँ जी, वो रिकॉल हो गया। एक सेकंड इसको जरा किनारे कर दो। अब स्टेप 2, हाँ, अब हमको सबसे पहले तो हम आपको बच्चे गिनना सिखा रहे हैं। ठीक है, ये क्लाइंट आया, इसका 1992 का बर्थ है, तो अभी मान के चलिए 30+ एज है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके जी पास क्वेश्चन आता है, लिख लीजिए क्वेश्चन आता है कि मेरे पत्नी को या माँ बाप बोलेंगे मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, बेटी ही यहाँ तो प्रेफर करना, मैं बताया लेडीज चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कितने बच्चे होंगे। ये लेडी ठीक चार्ट है है, ना सर जी? हाँ हाँ ये लेडीज चार्ट है, लेडीज चार्ट नहीं देखना है, मैं बताया था ना। हाँ नहीं देखा है आपने। ठीक है, क्या चलिए, क्वेश्चन लिखे सर? क्वेश्चन पहला बच्चा है, फर्स्ट बच्चा, क्या देखते क्वेश्चन जाइए क्या लिखे? बच्चों की संख्या, हम काउंट कर रहे हैं बच्चों की संख्या, हमारा जो जी टारगेट हाँ चल जी रहा है बच्चों की। सबसे पहले पहला हाँ बच्चा कहाँ होता है? फिफ्थ। जी, पांचवें का फिफ्थ कस्पल सब हाउस, लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड क्या है? फर्स्ट फर्स्ट फिफ्थ चाइल्ड, हाउस का कस्पल सब लॉर्ड क्या है? सर सैटर्न। जी सैटर्न है, देखते सैटर्न जाइए, फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड इज सैटर्न। मोदी जी बताएं सैटर्न किस राशि में? जी सैटर्न सैटर्न कहाँ पे बताएं? है जुपिटर की राशि में, उसको क्या बोलते हैं, 9th राशि होगी ये आपकी, नहीं, सेजिटेरियस। 10 में है ना सर, उसमें नाइन लिखा ये नहीं इसको किया। नहीं पढ़ना है, ये हाउस लिखा है, हाँ ये प्लेसिडिस सिस्टम है, इसमें जो डिब्बे दिख रहे हैं रेक्टेंगुलर, वो राशियां हैं पूरी पूरी, ये 12 नंबर है, ये 11, ये 10 नंबर की राशि है। दस, 10 10 नंबर में है, तो ये हो गया हाँ अपना क्वेरियस, हाँ मेल फीमेल क्वेरियस 4 8 12। फीमेल, हाँ इवन फीमेल ऑड देखना फीमेल है, आएगा मेल जी। फीमेल में तो इवन ऑड देखना है। हाँ जी हाँ जी, फीमेल आए, फीमेल आप क्या कहेंगे, आपका पहला बच्चा क्या होगा? वेरी गुड, लिख लीजिए, फर्स्ट चाइल्ड सर जी। फीमेल। रेट्रो में फर्क नहीं पड़ेगा ना, रेट्रो में फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं 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 उससे कुछ, फर्स्ट चाइल्ड। विच इज इन 10th हाउस, हाँ, 10th राशि, 10th 10th राशि, नॉट राशि, हाउस, राशि, राशि, यहाँ राशि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हाउस नहीं। राशि, सैटर्न इज इन 10th राशि, 10th राशि, 10th इज इवन इज नंबर, मींस फीमेल, ए फीमेल फीमेल चाइल्ड। राशि, वैदिक में आप इतने सो दावे से कहीं नहीं सकते। फर्स्ट चाइल्ड इज कर दो सर अब मुझे। बताइए, यहाँ पे एक चीज आपने नोट नहीं करी, सैटर्न कितने डिग्री पे है? सैटर्न है 18 सर, डिग्री पे, 18 डिग्री। इसीलिए फीमेल बोला तो फीमेल ही होगा। यदि यहाँ हाँ सैटर्न जी, 21 अगर डिग्री पे अगर हो ये जाता तो बीस क्या डिग्री होता? के ऊपर जाता तो फिर बॉय होता। हाँ, तो इस चीज को लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी फ्लो में तो हमने कह दिया, बाद में हमें ध्यान नहीं आएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। सिंस सैटर्न इज लेस देन 21 डिग्री, सो फीमेल चाइल्ड ही होगा। यदि यहाँ सैटर्न 22 डिग्री, 23 डिग्री हो जाता तो ये फीमेल किसमें कन्वर्ट हो जाता? मेल में। ठीक है, जैसे पराशरी में देखेंगे तो बोलेंगे यार सैटर्न है तो फीमेल ही देगा, क्योंकि मान लीजिए ये सैटर्न जो है 22 डिग्री पे बैठा, तो ये सैटर्न फीमेल से मेल बन जाएगा। लिखा इसलिए क्योंकि अभी फ्लो में तुमको वो समझ में आ गई, लिख लिए। हाँ अब दूसरा बच्चा किस हाउस से होगा? बाद में याद नहीं रहेगा जी। मेरे दूसरा को ये बच्चा बताइए कि सेवन। हाँ, इसमें रेट्रो का सेवन इफेक्ट सी तो एस नहीं एल से आएगा? नहीं, अभी रेट्रो रेट्रो का नहीं कुछ आएगा इफेक्ट सेवन नहीं। सी एस। रेट्रो हम कहाँ देखते हैं? हमारा रूलिंग प्लेनेट रेट्रो है और बाय बर्थ रेट्रो है, तो हमें इवेंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, सेकंड चाइल्ड सेकेंड मून, चाइल्ड किससे देखते हैं? सेवेंथ कस्पल सब सेवन सी एस लॉर्ड। एल मून है, मून देखिए यहाँ है, पे सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड क्या है? मून। मून है। ठीक है, मून को देखना है किस राशि में स्थित है। मून, मून किस राशि में? ये 12 नंबर खाने में, मतलब कौन सी है? पाइसेस।
यस जंतर पर पाइसेस राशि क्या होती है? जंतर चार पर आठ ये होगी सर, इवन नंबर है, फीमेल होगी, है? फीमेल होगी, जल तत्व है, नहीं वाटरी साइन है। तीन, नहीं, साइन नहीं देखना अभी, हम बच्चा पता कर रहे हैं, जेंडर। जी 3, 9, 12 कैसी राशियां होती हैं? डुअल राशि, आपको जी नेक्स्ट बच्चा जुड़वा होगा। 12वीं राशि दैट इज पाइसेस डुअल लिख लीजिए, विच पाइसेस इज इज ए डुअल। ड्यूअल हाँ तीन डुअल। नौ मीन्स ओके जी आज के टॉपिक को आप लास्ट टॉपिक से कोरिलेट करके पढ़ना, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक जी है, ओके हमारा जो दूसरा बच्चा है वो दूसरा ना होके वो ट्विंस होगा। क्या होगा? जी ट्विंस जुड़वा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा 7th हाउस का कसपल सब लॉर्ड जो है वो किस राशि में आ गया? मीन राशि में आ गया। मीन राशि जो है डुअल है। यस हमने डुअल के लिए 3 ही राशि लिखी थी, 3, 9 और 12। नंबर क्लियर है? हाँ यहाँ चार पे डिग्री, आठ यहाँ पे डिग्री का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पे डिग्री का कोई महत्व नहीं है ना, नहीं अभी तो ड्यूअल ड्यूअल आपने, सेंड अभी आपने इतना बताया ना कि आपको जुड़वा बच्चा होगा। अब वो आपसे पूछेगा ना कि जुड़वा में क्या होगा, तब तो क्या देखेंगे? नक्षत्र देखेंगे। अब भी लिखा थोड़ी देर पहले, तो मून किसके नक्षत्र में है जी ना? जुड़वा बच्चे किसके में नक्षत्र मेल होगा फीमेल होगा वो नक्षत्र बताएगा। तो यहां पे ओके देखिए, ये मून दिख रहा है आपको टेबल में, कौन देखिए जी मून ट्विन जी शाइन किसके नक्षत्र में? मरकरी में, मरकरी में मरकरी। और मरकरी क्या देता है? मैंने बताया फिक्स है मरकरी और राहु का। वेरी एक बॉय एक गर्ल गुड, तो वहां लिख लीजिए आपका जो सेकेंड कंसेप्शन होगा उसमें आपको जुड़वा बच्चे होंगे, जिसमें मून इज जुड़वा में इन एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। नक्षत्र। एक मिनट मेरा क्वेश्चन है यहाँ से, फॉर ट्विन बिल्कुल चाइल्ड पूछ। दैट इज बॉय और गर्ल वी हैव टू चेक नक्षत्र। हाँ, वी हैव टू चेक नक्षत्र अब एंड नक्षत्र देखने के लिए हमें वी क्या फाउंड दैट आवर मून इज इन मरकरी, मरकरी स्टार स्टार लॉर्ड, स्टार स्टार लॉर्ड। मरकरी अगर गिव्स वन बॉय मून वन गर्ल, वन गर्ल आवर मून इज इन मून स्टार लॉर्ड ऑफ मून मरकरी इज इन, स्टार इज इन स्टार लॉर्ड मरकरी, लॉर्ड ऑफ मरकरी मरकरी है ना? और मरकरी में फिक्स है वन बॉय वन गर्ल, राहु आ तो जाएगा तो क्या होगा? सेम आएगा, हाँ, दोनों बॉय वन बॉय वन गर्ल, वन बॉय वन गर्ल, नहीं, राहु भी वन बॉय वन गर्ल देता है और बुध भी वन बॉय वन गर्ल देता है, ध्यान वन रखिएगा। बाय वन गर्ल। हाँ जी हाँ मरकरी और वो। चलिए दूसरा बच्चा कंप्लीट हो गया, तीसरे बच्चे पे आते हैं। नाइन तीसरा बच्चा कौन सा हाउस देगा? सीएसएल नहीं नाइन्थ रे नाइन वेरी गुड, नाइन नाइन्थ नाइन नाइन नाइन। अब आइए 9th का कसपल सॉफ्ट लॉर्ड बताइए मेरे को। नाइन्थ का सीएसएल है जुपिटर तो लिख लीजिए तीसरा बच्चा 9th CSL जुपिटर। ठीक है लिख लिए। हाँ अब जी बताइए जुपिटर सिक्स जुपिटर में किस होगा, राशि? सिक्स हाँ राशि में, सिक्स जुपिटर कन्या, किस राशि में सिक्स है? सिक्स फीमेल राशि राशि है में। कन्या हाँ में लिख लीजिए जुपिटर कन्या वर्गो राशि में, जो कि फीमेल है। ठीक है फीमेल है, तो आपका चाइल्ड कैसा होगा? फीमेल फीमेल होगा, फीमेल होगी हो, फीमेल। आप क्या कहेंगे? बच्चा आपको कौन सा होगा? फीमेल होगा। ठीक है, अब यहां पे एक स्टेप आता है, 6 लिखिए वहां नोट, 6 या वर्गो साइन इज फीमेल, बट एज वेल एज अ बैरन साइन, द्वारा देयर इज वर्गो साइन इज, देयर इज एज वर्गो साइन इज फीमेल, सो चाइल्ड विल बी फीमेल, चाइल्ड विल बी फीमेल, सो चाइल्ड फीमेल, बट को अंडरलाइन कर दीजिए, कर दिए।
जी वर्गो साइन हाँ इज जी एज वेल एज बैरन साइन, साथ ही साथ क्या है वो, बैरन साइन भी है। वर्गो साइन इज एज वेल एज बैरन साइन, बैरन साइन जहां लिखा वहां ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 3 5 6, याद है कि भूल गए। याद है। जहां बैरन साइन लिखा वहीं ब्रैकेट बना के लिख लीजिएगा 1 3 5 6। 3 5 6 याद आ रहा था, 1 याद नहीं आ रहा था मुझे, अभी हाँ, आपने लिखा वन बताया। थ्री फाइव सिक्स इज बैरन साइन, ठीक है। लिख लीजिए, बैरन साइन जब हमें मिल जाता है तो उसके बाद बच्चे नहीं होते, वो बच्चा जरूर होता है। वही बच्चा लास्ट होगा बहुत, बैरन सेन वाला। हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बच्चा होगा किंतु उसके बाद कंसेप्शन नहीं होगा, मतलब उसके बाद बच्चे नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है। ठीक है जी। तो बैरन साइन का रोल कैसे करना है, मान लीजिए आपको फिफ्थ हाउस का कसपल सब लॉर्ड, फिफ्थ हाउस मतलब पहला बच्चा, ठीक है, मान लीजिए फिफ्थ हाउस का कसपल सब उसके लॉर्ड ही बाद बैरन आपने साइन नहीं दे दिया देता है। बैरन साइन, तो उसके बाद एक एक बच्चे के बाद बच्चा नहीं होगा। हाँ जी, ये नहीं कि बैरन साइन मिल गया तो बच्चा ही नहीं होगा, जब बैरन साइन आता है तो उस समय बच्चा हो जाता है, लेकिन उसके बाद बच्चा नहीं होता। इस फीमेल को कितनी बार कंसेप्शन होगा, 3 बार। सबसे पहले क्या हो सकता है उसको, फीमेल तीन चाइल्ड, बार फिर फीमेल, जब फीमेल सेकेंड कंसेप्शन होगा तो दोनों, जुड़वा ट्विन्स बच्चे वन बाय होंगे, वन का मेल दो बच्चे फीमेल, होंगे। और तीसरा कंसेप्शन होगा तो फीमेल चाइल्ड होगा, लेकिन उसके बाद बच्चे नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक कर नहीं लेना है, होंगे क्लियर है, समझ में आया। ये सारी चीजें आपको जी। बहुत सारी दिख रही हैं, लेकिन जब आप परिपक्व हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे, तो आपके सामने हाँ तो कुंडली रहेगी मतलब हड़प ये हड़प भी हड़प हड़प। एक आर्ट हो गया कि जब कोई कस्टमर हमारे पास आता है, हम उसको बता सकते हैं कि भाई तेरे इतने बच्चे हैं। तो क्वेश्चन तो वही था पहले, है ना। हाँ नहीं, पहले ही आपने देख लिया ना, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कितने होंगे, बैरन साइन तो नहीं है, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, रिस्ट्रिक्शन हैं, कंडीशंस हैं, जो आप पहले ही देख लेंगे।